देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का मौसम विदाई लेने लगा है। अगले एक हफ्ते तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। हालांकि बीच बीच में तेज हवाओं से थोड़ी बहुत ठंड देखने को मिलेगी। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश में तापमान में बढ़त का अनुमान है, लेकिन कोहरे से लोगों को अब भी थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी देखी गई, हालांकि अब ठंड पहले से काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने आज ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन और नीचे मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर सुबह और शाम के वक्त अब भी कोहरा देखने को मिल रहा है। अगले 10 दिनों तक मैदानी इलाकों में मौसम में किसी तरह के बदलाव की ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान में तेजी से कोई बढ़त नहीं देखी जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बीते दिन उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच यानी हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया था। अनुमान है कि यहां भारी बर्फबारी से कभी भी एवलांच आ सकता है। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली NCR की हवा आमतौर पर फरवरी के मध्य तक प्रदूषित हो जाती है, लेकिन इस बार जनवरी के अंतिम दिनों में हुई बारिश और उसके बाद से चल रही ठंडी हवाओं की वजह से पॉल्यूशन कम हो गया है। फरवरी के पहले हफ्ते में ही वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन का स्तर कम रहने वाला है। NCR की हवा तो दिल्ली से भी साफ बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में फरवरी में सामान्य बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा कि पूर्वोत्तर और इससे सटे पूर्वी हिस्से को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य एवं सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।